आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय डॉक्टर मेस्कर जी, जिनके पुस्तक के लोकार्पण के निमित्त हम यहाँ एकत्रित है, वो श्रीमान अमित साटम जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अमित साटम जी का जो प्रस्ताव आया पुस्तक का उद्घाटन करने के लिए है, तो ठीक है, आऊंगा, ऐसा समय था, ऐसा कहा। बाद में पुस्तक आई हाथ में, पढ़ी तो लगा अच्छा हुआ कि मैंने हां कहा। क्योंकि ये पुस्तक एक अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखी हुई अत्यंत व्यावहारिक और ठीक ठीक सलाह देने वाली पुस्तक है, युवा पीढ़ी के लिए और उससे भी ज्यादा उनके अभिभावकों के लिए एक तरह से यह टेक्स्ट बुक है। अर्थात टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद वैसा का वैसा लागू नहीं करते, अपनी अपनी पृष्ठभूमि परिस्थिति इसको देखते हुए उसका जो व्यावहारिक रूप होता है वो खुद को बनाना पड़ता है, लेकिन तत्व तो वही रहता है। ऐसी वो पुस्तक है। पहली बार पढ़ने के बाद मुझे प्रसंग एक याद आया, बहुत साल पहले सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष ऐसी एक किताब महाराष्ट्र में लोखंडे जी ने लिखी है, शायद आपको पता होगा, उनको जाना भी जाता है कभी कभी इसी नाम से, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष। महाराष्ट्र के शहरों से लेकर तो गांवों तक, छोटे गांवों तक का मार्केट डाटा अगर ठीक ठीक पाना है तो उनके पास जाते हैं। उस समय मैंने ऐसा सुना शासन भी उनके पास जाता है। छवी के क्लास में थे तब पढ़ाई छोड़ दी और पुणे में आकर एक छापखाने में नौकरी कर ली, मजदूरी। बाद में एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़ने के बाद उनको ध्यान में आया कि पढ़ना भी चाहिए, तो बाद में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और हरेक गांव में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक एक हद के बाद वो सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है, तो उसमें अगर प्रगति करनी है तो क्या करना, तो उन्होंने ये सोचा कि प्रत्येक गांव में मार्केट की क्या आवश्यकता है, कितने बार कोई हाट लगता है, कुछ होता है, लोगों को क्या चाहिए, मिलता कि नहीं, किस ये सारा डाटा उन्होंने प्राप्त करने के लिए कोतवाल, सरपंच और ग्राम सेवक, इन तीनों को सब गांवों के पत्र लिख दिया और बार बार लिखा। उत्तर ठीक उत्तर आने तक वो पत्र लिखते रहे, इसलिए सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो वो मुझे मिले, संपर्क करते हैं तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मिलना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी, आप पब्लिक भाषण वगैरह करते हो, बहुत लोग सुनते हैं, तो कुछ बात मैं कहता हूं वो आप बताइए। मैंने कहा आप बताइए क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा आप बच्चों के अभिभावकों को बातें बताइए। कौन सी बात बताना है? तो उन्होंने कहा कि उनको पहली बात ये बताइए कि हर लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट नहीं बनता, हर लड़का मेरिट में नहीं आता, कुछ आते हैं बाकी नहीं आते हैं। तो अपना लड़का उस प्रकार का है कि नहीं, ये देख के उसको आग्रह करो, अपनी बातें थोपो मत, उसको डॉक्टर ही बनाना है उसको, ऐसा मत करो, उसको जो बनना है बनने दो। तब मुझे एक किस्सा स्मरण में आया, ऐसा कहते कि तिलक जी के पुत्र ने उनको पत्र लिखा कि आप मुझे गणितज्ञ बनाना चाहते हो क्योंकि आप गणित के तज्ञ हो, लेकिन मैं आप जो चाहते हो ऐसा क्यों बनूं, मैं जूता सिलाना चाहता हूं तो मैं जूता सिलाना क्यों न सीखूं,
तो तिलक जी ने उसको उत्तर लिखा कि तुमको जो करना है करो, मैं तुम पर थोप नहीं रहा हूं, तुमको जूता सिलाना सीखना है वही सीखो, लेकिन ध्यान रखो ऐसा सीखना कि लोग कहे कि जूता अगर खरीदना है तो पुणे में लोकमान्य तिलक जी के बच्चे से ही लेना है। दूसरी बात उन्होंने कही कि डिग्री और मार्क्स ये आदमी की क्षमता का प्रतीक नहीं है, जो अब अमित जी ने भी अभी पुस्तक का परिचय देते समय कही कि हमको पता रहता है प्रश्न कौन सा आने वाला है, उत्तर क्या देना है, क्षमता उससे नहीं प्रकट होती। और तीसरा उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ही आगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीन बातें उन्होंने बताने के लिए कहा, मैंने दूसरे शब्दों में बताई भी है। लेकिन ये क्यों याद आया, मेक योर पैशन योर करियर, थोड़ा इसमें भी करियर यानी क्या ये भी सोचना पड़ेगा। आज करियर कहते ही क्या परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बाद में कमाई में बहुत अच्छी कमाई, लेकिन ये बात मनुष्यों के लिए है क्या? मनुष्य की कमाई क्या होती है? अच्छा, मनुष्य को कमाई करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा है क्या? कम पढ़े लोग भी अच्छे पढ़े लोगों को नौकरी में रखते हैं, ये तो है। तो मनुष्य आगे जाता है, प्रसिद्ध होता है, या कोई अच्छे काम करता है, किसी क्षेत्र में ब्रिलियंस दिखाता है, उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। तो करियर की ये जो कल्पना, और अपना पेट भरना और अपने आप को ठीक रखना, अपना परिवार बढ़ाना, ये तो सभी जीव करते हैं ना। अपने यहां कहा ही जाता है, आहार निद्रा भय मैथु निंज सामान्य मेतत पशु भीर नारायण। एक चूहा भी वही करता है, बिल्ली भी वही करती है, कुत्ता भी वही करता है। मनुष्य थोड़ा प्रगत प्राणी होने के कारण वो कपड़े पहन के ये सारी बातें करता है, इतना ही है और क्या। मनुष्य की कोई विशेषता है, उसके पास संवेदना है, और इसलिए केवल यशस्वी होना इसको करियर नहीं मानते अपने आप। वो यशस्वी होता है और सार्थक है कि नहीं ये देखा जाता है। सक्सेस, केवल सक्सेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके लिए पढ़ना लिखना मार्क्स इसकी भी आवश्यकता नहीं। एक किस्सा ये भी सुना कि एक बड़े कंपनी के मालिक को, यानी कारपोरेट के मालिक को पत्रकार गए, उस 100 साल पूरे की गई इसने आयु के, तो मिलने के लिए गए, इंटरव्यू किया, इंटरव्यू चल रहा था उसमें सेक्रेटरी आ गया उसका कि बाहर लोग बैठे हैं, आपने उनको बुलाया था, आपको कुछ दान देना था उनकी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो चेक देना है उनको, चले जाएंगे, लेकिन आपका चेक चाहिए। अरे ठीक है ले आओ। तो चेक लेके आया सेक्रेटरी, साथ में इंक पैड लेके आया, और पत्रकारों के सामने इस बड़े कारपोरेट के मालिक ने अपना अंगूठा उस पर चेक पर लगाया। तो पत्रकारों ने पूछा, आप हस्ताक्षर नहीं करते? तो बोले, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो लिखना पढ़ना नहीं जानता? लिखना पढ़ना नहीं जानते तो आप इतने बड़े बन गए, अगर जानते होते तो क्या बनते? तो वो मुझे मालूम है, मैं बताता हूं मैं क्यों नहीं लिखना पढ़ना जानता। मैं प्रौढ़ आयु तक एक चर्च में बेल बॉय की नौकरी करता था, बेल बजाने वाला। लेकिन हमारे बिशप ने एक सर्कुलर भेजा सभी चर्चेस उसके तहत जो थे, कि चर्च से संबंधित हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, साक्षर होना आवश्यक है।
तो मुझे हमारे पास्टर ने कहा कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब क्या करूं, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरा मन भी नहीं लगता और अब आयु हो गई तो नौकरी चली गई मेरी, अब क्या करना। इस विवंचना में मैं घूम रहा था तो एक ऑफिस की खिड़की से ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति ने बुलाया, इधर इधर थोड़ा समय है क्या। मैंने बोला समय ही समय है। तो बोले ऐसा करो, मैं एक महत्वपूर्ण टाइप कर रहा हूं, मैं छोड़ नहीं सकता जगह, सामने वाले होटल से मेरे लिए कॉफी ले आओ। पैसा दिया उसने, मैं जाकर कॉफी लेके आया, उसने मुझे 1 सेंट दे दिया। तो मेरे मन में कल्पना आई कि कितने ऐसे लोग होंगे बस बैठे जगह काम करते हैं और उनको चाहिए चाहिए, उस समय वो मिलना चाहिए, सिगरेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने वो काम शुरू किया और करते करते इतना बड़ा हो गया। अगर मैं पढ़ना लिखना सीखता तो मैं चर्च में बेल बॉय बना रहा होता। तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य का करियर क्या है इसको भी सोचना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि पैशन को करियर बनाना ये उत्तम बात है। जो मैं चाहता हूं जीवन में वो मुझे करने को मिलता है तो मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा नहीं है, ऐसा है। क्योंकि आखिर ये सब भागदौड़ करके पैसा कमा के चाहिए क्या। हैप्पीनेस शब्द उपयोग में लाया है, हैप्पीनेस यानी सुख नहीं, हैप्पीनेस यानी संतोष है। पेट भर रसगुल्ले खाकर भी संतोष मिलता है ऐसा नहीं है। और रसगुल्ले लाए और बच्चों ने सब खा लिए, मां के लिए कुछ बचा नहीं, तो खाली पेट रहकर भी मां को संतोष मिलता है। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जब हम कहते हैं तो हैप्पीनेस सुख में नहीं है, बाहर की बातों में नहीं है, वो मन का संतोष है। और मनुष्य के मन को संतोष अकेले में कभी होता नहीं। अकेला गमगीन व्यक्ति भी कहीं पर हंसी के फवारे छूटते रहे ऐसे मंडली में जाके बैठे तो वो हंसेगा ही हंसेगा। और अच्छा खासा हंसने वाला आदमी अगर लंबे चेहरे करके लोग बैठे हो किसी चिंता में वहां जाता है तो वो भी गंभीर हो जाता है। मनुष्य ये संवेदना से परिचित है, उस संवेदना के कारण वो अपने लिए तो प्रयास करता ही है लेकिन अपनों के लिए भी प्रयास करता है। और अपनत्व का दायरा उसका जितना बड़ा है उतना उसका संतोष बढ़ा है, उतना उनका उसका सम्मान भी बढ़ा है। नहीं तो दुनिया में अब्जावधि मनुष्य है। हम अपने बच्चों को किसी अहरे गहरे नथु गहरी की कहानी नहीं बताते। करियरिस्ट माता पिता भी बच्चों को विवेकानंद की कहानी बताते हैं। क्या क्या है विवेकानंद, कितना पैसा कमाया, एक पैसा नहीं कमाया। उनकी बूढ़ी माताजी थी, खेतड़ी के महाराजा मनी ऑर्डर भेजते थे तब उनका चलता था। कम से कम ग्राम पंचायत में कहीं चुन के आए क्या, नहीं आए। क्या भौतिक दृष्टि से विवेकानंद ने क्या कमाया, कुछ नहीं। ना हमारे गांव के है ना हमारे पीढ़ी के है, हमने उनको देखा नहीं है। लेकिन इतनी पीढ़ियां हो गई उनके बाद हम आज भी उनकी कहानियां बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि उनके अपनत्व का दायरा विश्व के जितना बड़ा था। अपनत्व का दायरा बढ़ाकर जितना हम काम करते हैं उतना हमको संतोष मिलता है। वास्तव में इसको करियर मानना चाहिए। परंतु आजकल अभिभावक अपने बच्चों को करियरिस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, कमाओ कमाओ ज्यादा कमाओ। ये वस्तुस्थिति है कि नहीं, देखिए। और जितने अधिक शिक्षित होंगे उतना ही अधिक आग्रह रहता है, चिंता के कारण रहता है, बच्चों का सब ठीक रहना चाहिए। लेकिन भाई ठीक तो रहेगा वो उनके अपने कर्मों पर निर्भर है, हमारे आग्रह पर निर्भर नहीं है। और जिसमें दम है वो हर परिस्थिति में अपने लिए जो आवश्यक सुविधा है सुख है वो तो प्राप्त कर ही लेगा।
उनको कमाओ कमाओ सिखाना, उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि आखिर पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, सिर सलामत तो पकड़ी 50। परंतु उनको कमाई के साथ साथ बांटना भी सिखाना चाहिए ना, तब उसको संतोष मिलेगा। ये नहीं सिखाते, और इसलिए फिर करियर की कल्पना भी यानी अच्छा संगीतज्ञ बनना करियर नहीं है क्या? एखादा अच्छा चेफ शेफ बनना, खाना बनाने वाला बनना करियर नहीं है क्या? जो करते हैं हम उसमें उत्कृष्ट बनना यही करियर है। लेकिन इस बात को बिना समझे बच्चों को हम बिना कारण तनाव में डालते हैं, दबाव में डालते हैं, उसके परिणाम भी होते हैं। तो इस पुस्तक का जो शीर्षक संदेश है, मेक योर पैशन ए करियर, ये बिल्कुल ठीक बात है। पुस्तक में ये बात आई है जो अभी मैं कहने वाला हूं, मैं थोड़ा अधिक स्पष्ट बता रहा हूं। पैशन तब उत्पन्न होता है जब कोई पर्पज है, पर्पज नहीं है तो पैशन उत्पन्न नहीं होता है। और पर्पज आपका जितना बड़ा है, जितना भव्य है, जितना अधिक लोगों को अपने दायरे में लेने वाला है, उतना आपका पैशन तीव्र होता है और उतना ही अधिक संतोष आपको मिलता है। यह भी प्रैक्टिकल बात है, करके देखिए, और जिन्होंने की है उनका जीवन देखिए। बिना पर्पज के पैशन फिर दिशाहीन होता है, फिर तो वो अनियंत्रित भी होता है, उसके दूसरे भी परिणाम हो सकते हैं। केवल जोश रहता है, आपने जय श्री राम का, भारत माता की जय का, यहां उसका प्रयोजन नहीं है। आप में पैशन है, अच्छी बात है, लेकिन इस कार्यक्रम का पर्पज वो नहीं है ना, ऐसे होता है। तो पैशन को दिशा मिलती है, किसी भी पैशन को दिशा मिलती तो फोर्स बन जाता है। चुंबक की सारी रचना एक दिशा में हो जाती है, तब उसमें चुंबकत्व आता है, वो अनुशासन पर्पज से मिलता है। इसलिए भगवद गीता में ये कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। दैव यानी भाग्य, इसको पांचवा नंबर दिया है, पहला नंबर नहीं दिया है। और ये कहा है कि पहली चार बातें ठीक करो तो वो अपने आप अनुकूल हो जाता है। और जो चार बातों में पहला है अधिष्ठान, गंतव्य, पर्पस। फिर जो आदमी करने वाला है वो उसको प्रयास करने पड़ेंगे। तो जो सपने देखते हैं हम, उन सपनों में उतना ही प्रयास डालने का, परिश्रम करना पड़ता है, तपस करना पड़ता है। वो हम कैसे कर पाएंगे, पुस्तक में दिया है सब। मैं पुस्तक के बारे में अधिक इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पर्याप्त तो उसकी चर्चा हो गई है, ठीक से चर्चा हो गई, लेकिन पुस्तक में है सब, उसके उपाय भी, यानी क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसकी भी चर्चा वहां है, कौन सा व्यायाम करना चाहिए इसकी भी चर्चा वहां है। इसलिए मैंने कहा अत्यंत व्यावहारिक सलाह है, ये कागज लिखी नहीं है, आखन देखी है, करने लायक है पुस्तक पढ़ के, ऐसा है। और फिर जो काम है वैसी काम करने की पद्धति चाहिए, और भी प्रयास करने पड़ते हैं इधर उधर से उसको अनुकूलता उत्पन्न करने वाले। ये चारों बातें जो ठीक कर लेता है उसको भाग्य अनुकूल हो जाता है। तो एक विशिष्ट उद्देश्य रख के चलना, और मनुष्यों के लिए उद्देश्य यही हो सकता है कि जो मैं करता हूं वो केवल मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, केवल मेरे कुटुंब के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कुटुंब का घटक हूं और कुटुंब हमारे समाज का एकक है, इकाई है, यूनिट है। पश्चिम में व्यक्ति को यूनिट मानते हैं और इसलिए व्यक्तिवाद पनपता है। हमारे वहां यहां व्यक्ति कुटुंब का घटक है और कुटुंब इकाई है, सामाजिक सांस्कृतिक
सब प्रकार की आर्थिक सब प्रकार की इकाई समाज की कुटुंब है। एक कुटुंब में समाज की सारी बातें, सारे संस्कार, सारी परंपरा सब वहां, जैसे और सेल के न्यूक्लियस में, शरीर के प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए रहता है, वो डीएनए सेपरेट किया तो क्लोनिंग से पूरा प्राणी वैसा का वैसा बना सकते हैं। वैसे एक कुटुंब में समाज की सारी विशेषताएं, सारा कैरेक्टर ग्रथित होता है, वो वैसा ठीक चला तो एक कुटुंब भी पूरा समाज बाद में बना सकता है, ऐसा वो यूनिट है। तो ये कुटुंब हम बनाते हैं, वो कुटुंब समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। और चूंकि हमारी समाज का निर्माण ही परोपकार के लिए हुआ है, स्वार्थ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए नहीं हुआ है। सर्वाइवल के बारे में हम बहुत नसीबवान थे उस जमाने में, प्राचीन जमाने में, जब से हमारा समाज चलते आ रहा है, उस समय कोई संख्या ज्यादा नहीं थी और सुजल सुफल मलय जो शीतल अपनी भूमि थी तो सबको भरपूर था, इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं था हमारे यहां। मेहनत करो खाओ, जो मेहनत करेगा सबको मिलेगा। और चारों ओर से सुरक्षित थे हम पर्वतमालाएं और सागरों के कारण, तो हमको बाहर से भी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। और इसलिए हम लोग सुरक्षित थे, हम लोग समृद्ध थे, हमको अस्तित्व की एकता का सत्य मिल गया हमारे पूर्वजों की तपश्चर्या के कारण। तो उन्होंने सोचा अस्तित्व अगर एक है तो सब लोग अपने हैं, तो एक सुख का रास्ता हमको मिला है, संतोष समाधान का रास्ता मिला है, सारी दुनिया को देना चाहिए, उसके लिए एक समाज का निर्माण हुआ है। वर्णन है इसका, भद्रम इच्छंत ऋषय स्वर्विधा तपो दीक्षा उपसे दुरग्री ततो राष्ट्रम बलम ओजस्ट जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप की दीक्षा लेकर तप किया, उससे राष्ट्र ओज और बल उत्पन्न हुआ, इतिहास है। और इसलिए हमारे समाज का मानवता के घटक के नाते कर्तव्य यह होता है कि हमारा समाज बड़ा बने और दुनिया को बड़ा करे, और ये बड़प्पन का दायरा बढ़ते बढ़ते विश्व तक जाता है। हे विश्वची माझे घर ऐशी जयाची मति स्थिर किंबहुना चरा चरा आपण दाला, केवल जीवमान नहीं चर अचर दोनों प्रकार, उनकी संवेदना के साथ अपनी संवेदना एकाकार हो, ऐसा जीवन जीना यह वास्तविक मनुष्यता का करियर है, यह वास्तविक अपने परंपरा का अनुसरण है। तो अपने बच्चों को इतना बड़ा आप एकदम नहीं बताएंगे तो चलेगा, परंतु यहां से शुरुआत कीजिए कि कमाना है ईमानदारी से, कमाना है उत्कृष्ट करना है, जो भी करना है वो क्या करते हो इसकी चिंता मत करो, लेकिन जो करोगे वो उत्कृष्ट करो, और स्वयं और स्वयं के कुटुंब के साथ साथ बाकी सब लोगों की, जितने लोगों की कर सकते हो उतने लोगों की चिंता करो, दोनों हाथ से कमाओ, हजार हाथों से बांटो। ये अपने जीवन का रास्ता है और यही कल्याणकारक रास्ता है जिसकी सारी दुनिया को आवश्यकता है। दुनिया के अंधानुकरण में हम न पड़े, ये जो शाश्वत मार्ग है सबके सुख का, उस पर हमको चलना है। और उस पर हमको चलना है इसलिए करियर का विचार हमको फिर से करना पड़ेगा, और ऐसा विचार जब करते हैं तो उस विचार और उसके व्यवहार के लिए अत्यंत सहायक ये उत्तम पुस्तक उड़ान अमित जी ने लिखी है, मैं उनका हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। और अंग्रेजी में लिखी है तो जितनी भारतीय भाषाओं में इसका भाषांतर हो सकता है वो आप करें, और इसका अधिकाधिक वितरण हो, अधिकाधिक लोग इसको पढ़े, क्योंकि वास्तविक इसको ये भी नाम दिया जा सकता है ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ऐसा ये पुस्तक है, दिखती छोटी है, पुस्तिका के आकार की बनी है, लेकिन पुस्तिका ही होती है ना जो बड़ा संदेश
योग्य संदेश देने वाली गीता कितने श्लोक है? 700 श्लोक है केवल। पूरा महाभारत कितने लाख के ऊपर श्लोकों का है, उसका सार भगवत गीता में 700 श्लोकों में है। ऐसा ही अमित जी ने जो प्रत्यक्ष किया है, करके देखा है, उसका जो निष्कर्ष है एक छोटी सी पुस्तिका में आया है, इसलिए हमारे लिए सुविधा भी है, हम बहुत जल्दी उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसी पुस्तिका सबके हाथ में जानी चाहिए। इसलिए इसके प्रचार प्रसार के लिए उनको फिर एक बार शुभकामना देता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।